नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सातवां वेतन आयोग लागू होने पर बढ़ सकती है महंगाई, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि खुदरा महंगाई अब तक रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुरूप रही है, लेकिन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। राजन ने आज यहां चालू वित्त वर्ष की छठी और अंतिम मौद्रिक नीति की समीक्षा जारी करते हुए कहा कि मुद्रा स्फीति मौद्रिक नीति के पहले अनुमानों के अनुरूप रही है। जनवरी 2016 के 6% का लक्ष्य हासिल हो जाना चाहिए। राजन ने कहा कि हालांकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से महंगाई में 1 या 2 के लिए बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि वर्तमान अनुमान में इसकी गणना नहीं की गई है। दूसरी ओर आरबीआई ने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो दर 6.75%, रिवर्स रेपो दर 5.75%, बैंक दर 7.75% और नकद आरक्षित अनुपात 4.0% पर यथावत है। अनुपम खेर बोले, झूठ बोल रहा है, पाकिस्तानी उच्चायोग नहीं दिया वीजा। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने पाकिस्तानी उच्चायोग पर असत्य बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कराची साहित्य उत्सव में जाने के लिए पाकिस्तान द्वारा वीजा से इनकार किया गया है। खेर ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि साहित्य, कला एवं संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती है, यही वजह है कि भारत में भी पाकिस्तानी कलाकारों को काम और सम्मान मिलता है। इसलिए उन्होंने कराची साहित्य उत्सव में जाने पर सहमति जताई थी, लेकिन उन्हें वीजा नहीं दिया गया। खेर को 5 फरवरी को कराची साहित्य उत्सव में भाग लेने जाना था। खेर ने पाकिस्तान उच्चायोग के उस बयान को भी असत्य बताया कि उन्होंने वीजा आवेदन नहीं दिया था। मसूद अजहर ने उगला जहर, दुश्मनों को जश्न नहीं मनाने देगी मेरी फौज। पठानकोट एयरबेस हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर ने एक बार फिर जहर उगलते हुए कहा कि अगर उसे भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से रोका गया तो वह बदला लेगा। उसने दावा किया कि उसकी फौज दुश्मनों को उसकी गिरफ्तारी का जश्न नहीं मनाने देगी। अजहर ने एक मैगजीन में लिखा कि मैंने मौत की साधना करने वाली फौज तैयार की है। इस फौज को समाप्त कर पाना दुश्मनों के बस में नहीं है। यह फौज दुश्मनों को चैन की सांस नहीं लेने देगी। रूसी हमलों में आतंकियों का तेल संग्रह ठिकाना तबाह। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आतंकवादियों को लक्ष्य कर रूसी लड़ाकू विमानों द्वारा किए गए हमले में आतंकवादी संगठन जैश अल इस्लाम का एक प्रमुख तेल संग्रह ठिकाना ध्वस्त हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेकोव के हवाले से रूसी समाचार एजेंसी ने सोमवार को जारी एक बयान में बताया कि पिछले एक सप्ताह के दौरान सीरिया में आतंकवादियों को निशाना बनाकर 468 उड़ानें भरी गईं और इस दौरान आतंकियों के करीब 1300 ठिकानों पर बमबारी की गई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।